Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Today my topic is from Animal Kingdom. Today I will take up new phylums, the phylums Mollusca and Echinodermata. Phylum Mollusca. Mollusca means soft. Mollusca means soft. The soft-bodied or shelled animals. These are the soft-bodied or shelled animals. First of all, Aristotle studied these organisms. Johnson's coined the name Mollusca. Mollusca is the second largest phylum of kingdom Animalia, which has over 60,000 species. And according to some workers, the number is 1,12,000. Molluscas appeared quite early, about 500 million years back. These are some of the examples from the phylum Mollusca. The common example is Pila, जो आप अपनी लैब में भी देखोगे. Helix, Limax. Helix आपने देखा होगा, garden snail. Then Limax, Dentalium, Mystilus, Octopus. Octopus भी आपको पता होगा, Unio. Then the general characteristics of this phylum. First of all, habitat and natural history. First of all is habitat and natural history. Mollusca are mostly aquatic and marine. Few species are found in freshwater and terrestrial habitats where humidity is high. Body form, अगर हम इनकी body form की बात करें, ये unsegmented है. एक्सेप्ट न्यूपाइलेना, जिसमें थोड़ी सेगमेंटेशन हमें मिलती है. सिमेट्री, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है. बाइलेटरल मीन्स देयर लेफ्ट बॉडी इज मैच्ड विद द देयर लेफ्ट बॉडी इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट बॉडी. अगर हम इनको सेंट्रल एक्सिस से कट दें, राइट बॉडी जो है, राइट पार्ट जो है, वो लेफ्ट का मिरर इमेज होगा, जैसे हम में है. इट इज डिस्टर्ब्ड एंड एनिमल्स बिकम असिमेट्रिक. और इनकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनमें असिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में डिटॉर्शन है. अगर आप इसमें देखोगे, इसमें आपको शेल दिखाई देता है, जैसे पाइला ग्लोबोसा. पाइला ग्लोबोसा इज एप्पल स्नेल. उसमें हम देखें अगर, तो हमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं दिखाई देती. देन नेक्स्ट इज बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर्स. इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दैट मींस दे हैव थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. देन बॉडी पार्ट्स. द बॉडी ऑफ टिपिकल मोलस्का इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स. इनकी बॉडी के तीन पार्ट्स हैं, हेड होगा, फुट होगा और विसरल मास होता है. इनका हेड और फुट मोस्टली कनेक्टेड होता है, एक जगह, एक साइड पे होता है. जैसे हमारा हेड एक जगह पे है और फुट एक जगह पे, और बीच में हमारा विसरल मास. विसरल मास मीन्स कि इस जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इनमें वो इंटरनल ऑर्गन्स एक साइड पे होंगे और हेड और फुट एक साइड पे होगा. हेड एंड फुट आर हाउवर्ड इनडिस्टिंक्ट इन सर्टेन मोलस्क. जॉइंटेड अपेंडेजेस आर एब्सेंट. इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो एब्सेंट है. हेड में माउथ है, आईज हैं, टेंटेकल्स हैं. फुट जो है थिक मस्कुलर वेंट्रल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बरोइंग के लिए, क्रीपिंग के लिए और स्विमिंग के लिए यूज करते हैं. विसरल मास कंटेन्स ऑल द बॉडी ऑर्गन्स. इट इज डॉर्सल इन पोजिशन. इनका विसरल मास जो है वो डॉर्सल है. देन मेंटल और पेलियम. इट इज मस्कुलर. अगर ये जो पॉइंट है बॉडी पार्ट, अगर आपने ऑक्टोपस देखा हो, ऑक्टोपस में आपको एक हम्प सा दिखाई देता है और उसकी अपेंडेजेस दिखाई देती हैं. वो अपेंडेजेस उसके फुट हो गए, और उसके अपेंडेजेस के साथ ही उसका हेड पार्ट भी है, और सारा का सारा विसरल मास ऑपोजिट साइड पे है. मेंटल और पेलियम मस्कुलर है, ये वैस्कुलर और ग्लैंडुलर फोल्ड होता है एक डोर्सल बॉडी वॉल में, विच कवर्स द बॉडी, जो बॉडी को कवर कर देता है, विच कवर्स द बॉडी, और उन दोनों के बीच में एक स्पेस रह जाती है. इट इज नोन एज मेंटल और पेलियल कैविटी. इनकी जो शेल है, ये मोस्टली शेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी शेल और इनकी बॉडी के बीच में एक
कैविटी है जिसको हम मेंटल या पेलियल कैविटी बोलते हैं, उसी कैविटी के बीच में अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो इसकी ही सिक्रीशन से वहां पर पर्ल की फॉर्मेशन होती है। जो पर्ल्स मोती जो मिलते हैं वो इन्हीं में से मिलते हैं। नाउ अबाउट देयर शेल, इनका शेल जो है मेंटल ही सिक्रीट करता है, यही जो एक वेस्कुलर इनकी जो ग्लैंडुलर फोल्ड है बॉडी का, वही शेल को सिक्रीट करता है। शेल मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, और एक्सटर्नल है मोस्ट केसेस में, एंड इट इज इंटरनल इन सम सेफेलोपॉड्स, फॉर एग्जाम्पल सीपीआर। रेयरली द शेल इज एबसेंट, कभी शेल जो है एबसेंट होता है, जैसे ऑक्टोपस में शेल्ड, और ऑक्टोपस शेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑक्टोपस में शेल नहीं है। बॉडी वॉल, इट इज कंपोज ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मिस एंड अनस्ट्रेटेड मसल प्रेजेंट इन बंडल्स। सिलोम, इट इज शाइजोसी, मोलस्कस आर देयरफॉर ट्रू सिलोमेट। हाउएवर लाइक आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स जैसे होते हैं उनमें उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके अराउंड सिलोम प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है, और ऐसे ही इनमें भी इनकी सिलोम रिस्ट्रिक्टेड है अराउंड हार्ट, किडनीज एंड गोनैड्स। हीमोसील इज प्रेजेंट, हीमोसील मतलब इनकी सिलोमिक कैविटी में ब्लड फ्लो करता है, इज प्रेजेंट अराउंड विसरा। सेफेलाइजेशन, सेफेलाइजेशन मीन्स अ डिस्टिंक्ट हेड इज यूजली प्रेजेंट, हाउएवर वो फुट के साथ फ्यूज होता है, जैसे सेफेलोपॉड्स में, लाइक ऑक्टोपस में। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इनमें सलाइवरी ग्लैंड्स और हेपेटोपेंक्रियास प्रेजेंट होता है। इनमें एक स्पेशल रैस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेड्यूला, रेड्यूला इज फाउंड इन मेनी मोलस्क्स। रेस्पायरेटरी सिस्टम, इनमें रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू या टिनिडिया के थ्रू होती है, फाउंड इन मेंटल कैविटी। पल्मोनरी सैक, मेंटल या एपिडर्मिस भी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन टाइप है, कुछ वर्कर्स जो हैं वो मिक्स टाइप कंसिडर करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इन स्फेलोपॉड्स। ब्लड में एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, जैसे हम में रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोसाइनिन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन इनमें सैक लाइक किडनीज की हेल्प से होती है। उसके अलावा बुजेनस, केबल्स ऑर्गन्स या नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सेंसरी सिस्टम, इट इंक्लूड्स फोटोरिसेप्टर आईज, टेक्टाइल टेंटेकल्स एंड स्टेटोसिस्ट्स फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। फिजियोकेमिकल सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड अस्फेरेडियम। नर्वस सिस्टम में इनमें 3 to 4 पेयर्स ऑफ गेंग्लिया होते हैं, सेरेब्रल में, हेड में। सेरेब्रल मीन्स हेड, पेडल मीन्स फुट, वहां पर विसरल मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स में, या प्लूरल मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जॉइंट। गेंग्लिया आर जॉइंट, गेंग्लिया जो है वो कनेक्टिव्स या कमिशर्स के साथ जॉइंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एबसेंट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। फीमेल्स ओवीपैरस होती हैं या फिर ओवोविविपैरस भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट इनमें लार्वल स्टेजेस के थ्रू होती है, लाइक वेलोर लार्वा या फिर ग्लॉचिडियम लार्वा के थ्रू होती है। एग्जाम्पल्स इनमें काइटन, डेंटेलियम, पाइला, टेम्पल शेल, हेलिक्स, लाइमेक्स, यूनियो, पिंटेडा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मीन्स स्पाइनी स्किन्ड, डर्म मीन्स एकाइनो मीन्स स्पाइन, डर्म मीन्स स्किन। जैसे हमें भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, आपने सुना होगा कि हमने स्किन की कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। डर्म का मतलब ही क्या होता है, स्किन। सो एकाइनोस मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन। द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इट इज अ फाइलम ऑफ स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। द टर्म एकाइनोडर्म, ये सबसे पहले कॉइन की थी जेकॉब क्लियन ने। द फाइलम वॉज डिलिमिटेड बाय ल्यूकार्ट इन 1847। एकाइनोडर्मेटा इज एन ओल्ड ग्रुप विच अपियर्ड इन द कैम्ब्रियन पीरियड। इट हैज अबाउट 6,000 स्पीशीज। There is a mixture of advanced features and reduced specifications, simplifications in echinoderms. यहाँ पर कुछ examples दिए हैं,
लाइक सी कुकुम्बर है, ब्रिटल स्टार है, सी स्टार है, फेदर स्टार है एंड सी अर्चिन। और ये स्टारफिश का आपको डाइसेक्टेड व्यू दिखाई दे रहा है। इस डाइसेक्टेड व्यू में आप देखोगे ये एनस है, एनस के पास ये मिडरिपराइट एक ऑर्गन होता है। देन दिस इज द स्टमिक, दिस इज द स्टमिक ऑफ द स्टारफिश इन द फॉर्म ऑफ अराउंड इन द सेंटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देन उसके नीचे यहां पर ये नर्व रिंग दिखाई दे रहा है। दिस इज द सेंट्रल रिंग कैनाल विच इज नर्व रिंग कैनाल एंड देयर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर रेडियल कैनाल्स। दिस इज नॉट दिस शोर्ड स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पर विजिबल है ये नर्व रिंग नहीं है, बट इसी तरीके से यहाँ पर इनका नर्व रिंग भी प्रेजेंट होता है इसके बिलो। देन उसके बाद यहाँ पर ये रेडियल कैनाल्स हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो ये साइड पे ये गोनाड्स हैं इनके, और यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ट्यूब फीट इन ट्यूब। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। और ये एनस है, माउथ जो है वो नीचे वाली साइड पर वेंट्रल सरफेस पर लाई कर रहा है। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट देयर हैबिटेट एंड नेचुरल हिस्ट्री। मोस्टली ये मेरीन है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है। एक्सक्लूसिवली मेरीन का मतलब है कि इनके सभी की सभी स्पीशीज हमें मेरीन में ही दिखाई देती है। मोस्ट मेंबर्स जो हैं वो बॉटम ड्वेलर्स हैं या बेंथोनिक हैं। बॉटम ड्वेलर्स होते हैं जो सबसे नीचे लोअर लेयर पर हमें मिले, जैसे आपने स्टारफिश को देखा वो फ्लैट है, वो सबसे नीचे हमें बॉटम पर मिलती है। सम आर पेलेजिक वाइल अ फ्यू आर सिडेंट्री। सिडेंट्री मीन्स फिक्स्ड, पेलेजिक मीन्स दे कैन मूव। बॉडी फॉर्म स्टार शेप्ड है, सिलेंड्रिकल है, ग्लोबुलर भी है कुछ, कुछ कुकुम्बर लाइक हैं, कुछ फ्लावर लाइक हैं। सिमेट्री, लार्वा हैज बाइलेटरल सिमेट्री व्हाइल द एडल्ट पोजेस रेडियल सिमेट्री। बॉडी प्लान की बात करें, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन कुछ में ब्लाइंड सैक नेचर है लाइक ओफिरोइडिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर्स, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और तीन जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सिलोमिक फ्लूइड कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स कॉल्ड सिलोमोसाइट्स। सिलोमिक फ्लूइड टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल है सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड एपिडर्मिस एंड थिक डर्मिस, स्मूथ मसल्स अकर बिलो। सेफलाइजेशन, इनमें डेफिनेट हेड जो है वो एब्सेंट है, हमें अभी स्टारफिश में कोई हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। अपेंडेजेस, द बॉडी अपियर्स अ नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक इंटरकनेक्टेड ट्यूब फीट। अभी हमने डायग्राम में देखा कि उसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट है, वही इसके अपेंडेजेस के जैसे एक्ट करती हैं। हर ट्यूब फीट में एक एम्पुला है, पोडियम है और एक सक्कर है। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या करती है ट्यूब फीट, इट रिलीजेस वाटर। वाटर के रिलीज करने के साथ एक प्रेशर डेवलप होता है, जिस प्रेशर के साथ ये मूव करता है, ऑपोजिट साइड पर मूव करेगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एम्पुला पार्ट ऑल्सो हैज सर्कुलर मसल्स। ट्यूब फीट आर कनेक्टेड विद वाटर वेस्कुलर, ट्यूब फीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम के साथ जॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्यूब फीट जो है वो वाटर को पंप करते हैं, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ जुड़े हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में से वाटर आता है और ये ट्यूब फीट जो है उसको पंप करेंगे। जैसे ही वाटर जो रिमूव होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो स्टारफिश है या फिर एकाइनोडर्मेट है वो मूव करता है। और ये ट्यूब फीट जो है दे कैन बी प्रोट्रूडेड और रिट्रैक्टेड, ये बाहर प्रोट्रूड भी हो सकते हैं और रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर भी ये उसको वापस ले सकता है। ट्यूब फीट टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, दोनों में हेल्प करता है। देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक वाटर सर्कुलेशन। ये मेड्रिपराइट से वाटर एंटर करेगा, फिर इस स्टोन सेल से, हमने वहां पे डायग्राम में देखा था मेड्रिपराइट, और फिर स्टोन सेल से यहां से मूव करके ये वाटर इस कैनाल में, रिंग कैनाल में चला जाएगा। और इस रिंग, ये रिंग कैनाल लेटरल कैनाल्स के साथ जॉइंट है, यहां से वाटर फिर इन ट्यूब फीट में जाएगा। ये देखो यहां पर ये ट्यूब फीट है और ये ट्यूब फीट के लोअर एंड से ये वाटर रिमूव करेगा। जैसे जैसे ये वाटर रिमूव करेगा उस प्रेशर के साथ ये मूव करेगा। इन द इट इज सिस्टम ऑफ
एक्स्ट्रा ऑर्गेनिस्मिक. एक्स्ट्रा ऑर्गेनिस्मिक का मतलब होता है कि जो सराउंडिंग वाटर है, बाहर वाला वाटर जो है, वही इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे एक्ट करेगा इन द बॉडी, विच टेक्स पार्ट इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. जब वो वाटर अंदर आएगा, अपने साथ ऑक्सीजन लेके आएगा, तो हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर देगा. तो इसमें ब्लड में स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वाटर, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रही है टू ईच एंड एवरी सेल. देन जब वो वाटर बाहर जाएगा, तो अपने साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाएगा. इट डिवेलप्स, अब ये जो सिस्टम है, इट डिवेलप्स एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द सीलोम एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें मेट्रिपराइट है, इट ये एक परफोरेटेड प्लेट है. यहाँ पर देखो, परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स हैं फॉर एंट्री ऑफ वाटर. जनरली ऑन एबोरल साइड. एबोरल साइड कौन सी होती है? जो ओरल नहीं है. ओरल कौन सी होती है? जहाँ पर माउथ हो. हमने अभी डायग्राम में देखा था, ये मेट्रिपराइट और एनस जो है दोनों एक साइड पे थे. That means mouth जो था वो opposite side पर था. जिस side पर mouth था वो oral side है और ये aboral side. Then stone canal, एक S-shaped canal है which receives spore canals from madreporite. Then ring canal, stone canal opens into a ring canal present around the mouth. Other canals, यहाँ पर ये stone canal है, फिर उसके बाद ring canal है, हमने पहले ये पढ़ लिया, और उसके बाद other canals हैं, like ये जो lateral canals हैं. Then moving into various body parts is like starfish है. Starfish की 5 arms है, तो 5 arms में हर एक में एक एक lateral canal जो है वो run करेगी, और उसके दोनों sides पर, फिर उसके दोनों sides पर ये radial canal है, radial canal के दोनों sides पर lateral canal होगी, और यहाँ पर क्या होंगे, tube feet से ये joint होंगी. Ambulacral system functions as a hydraulic system for locomotion. It also helps in adhesion, कहीं पर अटैच होने के हेल्प में काम में आती है, रेस्पिरेशन या सेंसरी रिसेप्शन के भी काम आएगी. देन नेक्स्ट इज पेडिसलेरिया. पेडिसलेरिया पिंसर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं विच ऑफन अकर इन बिटवीन एंड अराउंड स्पाइन्स, जो स्पाइन्स के अराउंड प्रेजेंट है. ईच पेडिसलेरिया कंसिस्ट, हर पेडिसलेरिया में स्टॉक है, बेसिलर प्लेट है और 2 toothed जॉज होते हैं. Their major function is to clear the debris collected on the body of echinodermate. जो भी debris starfish के ऊपर या फिर echinodermate के ऊपर collect हो जाता है, ये उसको remove करने में help करता है. Then digestive system. Digestive system इनका complete है. हमने अभी देखा कि anus भी है और opposite side पर mouth भी present है. Animals mostly ये predaceous हैं और carnivorous हैं, but many of them can also feed on organic litter. Then skeleton, echinodermates possess इनमें exoskeleton और endoskeleton दोनों हैं. Endoskeleton में calcareous plates हैं या ossicles हैं, वो generally dermis के अंदर embedded है. Exoskeleton जो है वो spines और pedicellaria से बना है. Spines जो हैं, they are thick hard calcareous structures जैसे spines होते हैं. The name echinodermate is based on their occurrence. जब हम इनको टच करेंगे तो हमें उसमें ये स्पाइन्स जो हैं फील होते हैं. ये स्पाइन्स मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, डर्मल ब्रैंकिया और पैपुलर जेनाइटल बर्से, पेरिस्टोमियल गिल्स या रेस्पिरेटरी ट्रीज कनेक्टेड विद द क्लोएका. दीज आर द डिफरेंट क्लासेज ऑफ दिस फाइलम, और इन डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. मोस्टली ट्यूब फीट, जैसे हमने पढ़ा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जब वाटर इनसाइड एंटर करता है तो अपने साथ ऑक्सीजन ले आता है, तो मोस्टली ट्यूब फीट इसमें हेल्प करता है. देन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन टाइप ऑफ रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम हीमल सिस्टम भी बोलते हैं. हाउएवर, लेकिन ये सिस्टम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करता. हार्ट इनमें एब्सेंट है. ब्लड वेसल्स में इनमें डेफिनेट वॉल नहीं है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें एब्सेंट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम एक आउटग्रोथ है सिलोम की या फिर बॉडी कैविटी की. देन अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, अ डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. एमीबोसाइट्स में ऑल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी रोल. एकाइनोडर्मेट्स यूजुअली एमोनोटेलिक हैं. सेंसरी ऑर्गन्स इनमें पुअरली डेवलप्ड हैं. अगर हैं तो फोटोरिसेप्टर्स होंगे, पिगमेंटेड आई स्पॉट्स, टेंटेकल्स या स्टेटोसिस्ट्स होंगे.
नर्वस सिस्टम इनमें रिड्यूस्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ एन ओरल नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स, ब्रेन इनमें एब्सेंट है. सेंसरी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्यू एकाइनोडर्म्स थ्रू सेल्फ डिविजन. ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन आर क्वाइट कॉमन. ऑटोटोमी होता है सेल्फ शेडिंग, मतलब अपने पार्ट को खुद ही कट कर देना. ऑटो मीन्स सेल्फ, टोमी मीन्स कट, अपने पार्ट को खुद कट कर देना, ताकि जो प्रीडेटर इन पे अटैक कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर तक वो जो कट पार्ट है वो फ्लिकर करता रहता है. थोड़ी देर तक जब तक वो फ्लिकर करता है तो प्रीडेटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और इनको एस्केप का टाइम मिल जाता है, इनको भागने का टाइम मिल जाता है. यूजुअली इट इज एन आर्म, अपनी आर्म को कट कर सकते हैं और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे प्रीडेटर जो है अटैक कर रहा है. इन सी कुकुम्बर बॉडी विसरा एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री आर वोमिटेड. इसमें सी कुकुम्बर में जो ऑर्गेनिज्म है अपना बॉडी विसरा उसी को वोमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है, और रेस्पिरेटरी ट्री को भी बाहर वोमिट कर देता है इन ऑर्डर टू कंफ्यूज द प्रीडेटर. फिनोमिना, इस फिनोमिना को बोलते हैं ई विसरेशन. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ई विसरेशन. और जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स उसने वोमिट कर दिए, वो थोड़ी थोड़ा टाइम में वो रीजनरेट हो जाते हैं. देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस इनमें कॉमनली सेपरेट हैं, बट सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म इज एबसेंट, सो इज कॉपुलेशन. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, एनिमल्स ओवीपैरस हैं, दैट मींस एगलिंग, और रेयरली ओवोवीविपैरस, जिसमें डेवलपमेंट एग में हो रही है और एग मदर की बॉडी में है. देन डेवलपमेंट इनमें रेडियल या इंडिटर्मिनेट है, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होता है लार्वा के थ्रू, और इनमें सिलिएटेड लार्वा प्रेजेंट होता है इनके लाइफ साइकिल में. यूजली इनकी लार्वल टाइप्स क्या है, बाइपिनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, डोलियोलेरिया, ऑरिकुलेरिया और डाइप्लुरुलो प्लूटियस एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द लार्वल स्टेजेस इन दीज ऑर्गेनिजम्स. थैंक यू. विल कॉन्टिन्यू विद द अदर फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम इन द नेक्स्ट वीडियोस.